अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ग्रीन चिकन। बहुत ही सिंपल, टेस्टी और हेल्दी भी है। अगर आप डाइट करें तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी जार, उसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्ची। अगर आपको तीखा पसंद है या कम पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डालेंगे लहसुन की कलियां और अदरक का एक टुकड़ा, और प्याज को हम काट के डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें ढेर सारा पुदीना और ढेर सारा हरा धनिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, या मैंने एक ही काली मिर्च ली हुई। अगर आपके पास अक्की नहीं है तो आप पीसी हुई ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। और सबको अच्छे से पीस कर एक चटनी रेडी करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। यहाँ मैंने 3 चम्मच तेल लिया हुआ है। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप यहाँ 1 चम्मच तेल डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। और अब मैं तेल जब गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 किलो चिकन लिया हुआ है, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लें। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से चला लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी चटनी जो मैंने पीस लिया था, और उसी मिक्सी जार में थोड़ा और पानी डालकर जो हमारी चटनी रह गई है अंदर वो भी डालकर इसे अच्छे से मिलाकर कढ़ाई में डाल देंगे। हमें बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है इसमें। इतने में हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है गरम मसाला और धनिया पाउडर। यहाँ मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और सबको अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है 15 मिनट तक। 15 मिनट में हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं बीच में। तो ये देखिए, पानी जो है वो सूख चुका है और जो हमारा चिकन है वो आधे से ज़्यादा गल चुका है। तो अब हम इस टाइम क्या करेंगे, गैस की जो फ्लेम है वो एकदम लो कर देंगे और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए तेल आने तक। तो ये देखिए, तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिला लें। तो ये लीजिए, हमारा जो ग्रीन चिकन है वो रेडी हो चुका है। देखिए कितना सिंपल है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। पर ज़रूर ट्राई करना। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।